All in All Freaks. हे दोस्तों, हमारी नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जल्दी से जल्दी हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में। इसमें हम बात करेंगे सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में। तो जैसा कि हमें पता है कि टोटल 6 इन्फिनिटी स्टोन हैं। तो ये पहला है टाइम स्टोन। टाइम स्टोन के बारे में हम इतना जानते हैं कि शुरू में डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में देखा गया है, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज एक एप्पल को, खाए हुए एप्पल को एक होल में कन्वर्ट कर देता है, फिर उसी होल को एक खाए हुए एप्पल में। डॉक्टर स्ट्रेंज इसकी मदद से टाइम में पास्ट में जा सकता है, फ्यूचर में जा सकता है और कई तरह की टाइम से रिलेटेड चीज़ें कर सकता है। स्टोन में टाइम को चेंज करने की भी पावर होती है। तो अब जैसा कि इस स्टोन इस समय कहाँ पर है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज में मूवी के लास्ट पार्ट में डॉक्टर स्ट्रेंज को आपने देखा होगा कि उसने एक बड़े से कमरे में इस स्टोन को रख दिया था, छोड़ दिया था। वो हालांकि सीख ही रहा था स्टोन से काम करना, उसे आया नहीं था और पूरी तरीके से, और उसने उसे कमरे में छोड़ दिया। तो आखिरी बार वो इसी बिग रूम में पाया गया है वो स्टोन। उसके बाद अभी इस स्टोन का पता नहीं है कि वो कहाँ है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे स्टोन की। अब हम बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट स्टोन के बारे में। नेक्स्ट स्टोन है हमारा स्पेस पोर्ट स्टोन, जो है टेसरा क्यूब। शुरू में ये देखा गया था कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर मूवी में, जिस हाइड्रा जिसको पाने के लिए लड़ाई कर रहा था। उसके बाद एवेंजर फर्स्ट पार्ट में ये टोनी स्टार्क इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था। इस स्टोन से स्पेस में आया जाया जा सकता है काफ़ी आसानी से, एक वॉरफॉल क्रिएट करके कम टाइम में। एवेंजर्स में जैसे कि एलियंस आ जाते हैं धरती पे तबाही मचाने के लिए थोड़ी, तो इस स्टोन को उस फिल्म के आखिरी में आपने देखा होगा कि थॉर एसगार्ड वापस से ले गया था अपने एसगार्ड में सुरक्षित रखने के लिए इस स्टोन को, जिससे कि ये बुरे लोगों के पहुँच से बाहर रहे। लेकिन जैसा कि आपने फिल्म के आखिरी में देखा होगा कि ओडिन की जगह लोकी लेके बैठा हुआ था, लोकी ओडिन का रूप लेके बैठा हुआ था। तो अब पता नहीं स्टोन कितना सेफ है। अब अगले स्टोन के बारे में बात करते हैं, जो है रियलिटी स्टोन। ये है इथर, जिसे हम लोग कहते हैं। ये स्टोन के बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं है, ये स्टोन की काम नहीं पता। ये हल्का लिक्विड टाइप में होता है ये स्टोन, या पता नहीं किस चीज़ में होता है। तो इसका यूज़ काफ़ी हद तक पता नहीं चला है कि फिल्म में थॉर डार्क वर्ल्ड में इसे एक टॉर्नेडो टाइप का बनाने के लिए यूज़ किया गया है या कुछ। इससे पता नहीं इससे क्या कर सकते हैं, इसकी असली पावर का अब तक पता नहीं चला है। पर इतना पता है कि आखिरी में इसे एक कलेक्टर को दे दिया गया था, जो कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में पावर स्टोन यानी ऑर्ब को खरीदता है। अब अगले स्टोन के बारे में बात करते हैं। यह है द पावर स्टोन यानी ऑर्ब, जो कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में इसके बारे में दिखाया गया था। इसे स्टार लॉर्ड और गमोरा बाकी लोग इसे उसी कलेक्टर को बेचने के लिए जा रहे थे। इस पावर स्टोन की खास बात यह है कि इस पावर स्टोन में बहुत सारी पावर होती है, जिसकी वजह से आप किसी भी चीज़ को तबाही मचा सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं या अच्छे काम के लिए उपयोग में ला सकते हैं। जिसे इस कलेक्टर को बेचने जा रहे थे, लेकिन वो लोग बेच नहीं पाए थे। फिर हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट स्टोन के बारे में, जो है द माइंड स्टोन। ये लोकी के स्टैफ में था, लोकी के स्टैफ के ऊपर ब्लू वाले हिस्से के अंदर था ये स्टोन। इस स्टोन को आपने देखा होगा एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोनी स्टार्क और डॉक्टर ब्रूस बैनर मिलके इस स्टोन को निकाल लेते हैं, लेकिन अल्ट्रॉन मिलके स्टोन को निकाल लेता है और अल्ट्रॉन उसे एक बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर देता है, जो जिसका नाम होता है विजन। उसके ठीक फोरहेड के सेंटर में इसे इम्प्लांट कर दिया जाता है, जिससे ये नया कैरेक्टर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर बन जाता है। और ये माइंड स्टोन किसी के भी माइंड को क्रिएट कर सकता है। इस माइंड स्टोन आखिरी में इस समय विजन के हेड पे है। अब अगले बारे में बात करेंगे, सोल स्टोन, जो है द सिक्स स्टोन। इस स्टोन के बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं, लेकिन अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। ये स्टोन थॉर द रैग्नारोक मूवी में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसकी ज़्यादातर चांसेस थॉर द रैग्नारोक मूवी में इंट्रोड्यूस किए जाने की इसलिए है क्योंकि थॉर द रैग्नारोक मूवी की जो विलन है हेला, ये क्वीन ऑफ हेल है। ये सोल्स को क्रिएट कर सकती है किसी की डेथ
और बर्थ को ये अपने कंट्रोल में कर सकती है, सोल्स को कंट्रोल में कर सकती है, और सोल स्टोन भी ठीक यही काम करता है, वो भी किसी की सोल को कंट्रोल करता है, बर्थ और डेथ को कंट्रोल करता है, तो काफ़ी हद तक सोल स्टोन हेला के पास हो सकता है। तो इसके बहुत सारी चांसेस है कि थॉर द रैग्नारोक मूवी में हमको देखने को मिले, जो कि रिलीज़ हो रही है 28 नवंबर को, तो जाके देखिए अगर आपको पता करना है कि सोल स्टोन है किस मूवी में और क्या क्या करता है। तो आखिरी में हमने देखा था एवेंजर्स ऑफ अल्ट्रॉन के पोस्ट क्रेडिट सीन में थानोस के ग्लव में 5 स्टोन्स आ चुके हैं, अब वो कहाँ से आए ये तो पता चलेगा एवेंजर एज ऑफ इन्फिनिटी वॉर्स में। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक और शेयर करें।